एक मैं बताऊं, परिवार तीन प्रकार के हैं। एक संयुक्त तो परिवार, जहां सबकी व्यवस्था बिल्कुल बराबर होती थी। एक न्यूक्लियर परिवार। सेकंड नंबर, संयुक्त परिवार में माँ, पिताजी, भाई, भाभी, देवरानी, जेठानी सब इस एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करते थे, वो संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर परिवार का अर्थ है कि माँ और बाप अपने कार्य में व्यस्त थे, बेटे बेटी क्या करते उनको कोई प्रश्न ही नहीं था। और एक वायर्ड परिवार, वायर्ड फैमिली, वायर्ड फैमिली, हर अपने कार्य में व्यस्त है, किसको किसी को पूछने की नहीं। मैं बताऊँ वेदना की बात, बम्बई में मेरा प्रवचन था, करीबन 20 दिन तक प्रवचन माला चली, और आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं मेरे सामने बैठे थे, उन सबके बेटे को भी मैं पहचानता था। एक दिन चालू प्रवचन में मैंने पूछा कि आपके बेटे बेटी 20 दिन से मैं प्रवचन करता हूँ, कोई प्रवचन में आगे पीछे कभी दिखाई नहीं पड़े। और हैरानी की बात, एक भाई खड़े हो गए, क्या हिम्मत होगी या तो क्या पीड़ा होगी, मैं सब मालूम नहीं है। और उसने इतना ही बता दिया, हमारा साहब आप ये बोलते हो मैं 20 दिन से यहाँ हूँ, आपके बेटे को मैंने देखा नहीं। महाराज साहब 15 दिन से मैंने खुद ने मेरे बेटे को घर में देखा नहीं है। ये वायर्ड परिवार, बेटा अपनी जगह, लड़की अपनी जगह, बाप अपनी जगह, माँ अपनी जगह। माँ जाती है किटी पार्टी में, बेटा बाप जाता है क्लब में, बेटी घूमती है कहीं कहीं नज़दीक से। तुमने तुम्हारा परिवार देखा होगा, मैंने बहुत परिवार देखा है। एक संयुक्त परिवार, हमारे संयुक्त परिवार है। न्यू क्लियर परिवार, सिर्फ माँ और बाप, बस दोनों अपने कार्य में व्यस्त है। कहाँ परिवार है, आज उनकी बात करना चाहता हूँ। मेरा परिवार जो भी है, मैं जिसके साथ रहता हूँ, इनके लिए मेरी तीन कंडीशन है। आप ये मानते हो स्वजन के लिए बैकअप बने रहूं, तो मैं मालूम नहीं बताऊं, मेरी पांचवी पीढ़ी का की आराधना थी गौतम स्वामी की। वो आराधना में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि गुरु शिष्य को टच भी नहीं कर सकते। एक साधना की प्रक्रिया थी, मौन तो था ही, 16 दिन कामिल भी था, मगर गुरु शिष्य को टच नहीं कर पाए। ये मेरे साथ मेरे आचार्य पद्म सुंदरसूरी मेरे भाई है, काका के लड़के, और वात्सल्य सुंदर, सबकी दीक्षा हो चुकी थी। और अगले दिन शाम को सब रो रहे थे। मैंने बोला हुआ क्या, कल से मेरी साधना शुरू होती है और तुम रोते क्यों गुरुदेव? और तो कुछ नहीं, 16 दिन तक आपको हम टच नहीं कर पाएंगे, आपका हाथ मेरे सर पे नहीं रहेगा। हमने इसके लिए तो चारित्र, ये तुम समझते हो, इतने साल तक जिंदगी भर तक मेरे साथ रहे वो साधु, सिर्फ इसलिए रो रहे थे कि गुरुदेव वी विल नॉट एबल टू टच यू। और इतना रोने होने के बाद मैंने सब दोनों सबको बोल दिया, यदि आप चाहते हो कि मेरा स्पर्श आपको मिले, मैं आराधना पेंडिंग रखता हूँ, पांचवी पीढ़ी का की आराधना में कैंसिल कर देता हूँ। ये तो परमात्मा के शासन की सूर्य मंत्र कल्प समुचे विधान है। आप मुझे आराधना करने देना चाहते हो, इतना बलिदान आपको देना ही पड़ेगा। बड़े बेमन के साथ, आंख के आंसू के साथ सबने बोल दिया, ठीक है गुरुदेव आप आराधना करो, हम ये सहन कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा आपके स्पर्श के लिए रो रहा है कभी? पिताजी कितने दिन से आपका हाथ का स्पर्श मेरे सर पे नहीं। हम गुरुदेव को वंदन करते थे, गुरुदेव बहुत काम में बिजी रहते थे, भुवन भानु श्री महाराज, और कभी कभी वंदन करने की हमारी व्यवस्था ये है कि शिष्य वंदन करता है या तो रत्नाधिक को वंदन करता है, उनका हाथ का स्पर्श मिलता है। कभी कभी गुरुदेव का हाथ नहीं मिलता था ना, हम बेचैन बन जाते थे। शाम को जाकर के बुद्धे गुरुदेव की गलती हुई कि आपने हाथ नहीं रखा कि आपके, और जब तक समाधान नहीं होता था हम चैन नहीं पड़ता था। आपको तीन कंडीशन, आपका परिवार जम जाएगा, और यदि तीन में तुम फेल हो ना, तो मुझ पे लींबू रखा के घूमना मत कि मेरे पास 10 करोड़ का